अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे अब खुद के ऊपर होता है कि मैं क्यों क्रिकेट फैन यार, इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं आप? मुझे पता है पाकिस्तान इंडिया का मैच, वो बॉलर्स ने बना बनाया मैच आप लोग के हाथ के अंदर रखा और आप लोग इस तरह की बैटिंग करते हैं, इस तरह की बैटिंग में तो बहुत बड़ी लानत आई। किस तरह खेलते हैं ये? थी 2020 का नंबर 2 पे बैट्समैन रिजवान, सारा बना बनाया मैच वो नीचे लगा गया 44 गेंदों पर 31 रन आने वाला, ये कोई स्कोर है? ये T20 के हिसाब से क्रिकेट है? 120 नीचे हो पाए आप लोगों से यार, उसके बाद नीचे से आ गए आप लोगों को, स्पिनर से नहीं खेला जा रहा। इमाद वसीम साहब कहते हैं बड़े फिनिशर, कहाँ के फिनिशर हैं भैया? आपने 23 गेंदों में 15 बनाए, ये कोई खेलने वाली इनिंग्स है? आप लोग स्पिनर नहीं खेला जा रहा, आपसे उनका अक्षर पटेल नहीं खेला जा रहा, कहाँ गया ये इफ्तखार? इन भाई साहब के तो छक्के इतने लंबे लंबे होते हैं, हमने तो सुने भाई PSL के अंदर यहाँ पर आ गया होता है, यहाँ से फिर खेला ही नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे डिप्टी करके बुमराह इनको खेला नहीं जा रहा, सिराज इनसे खेला नहीं जा रहा, अर्शदीप इनसे खेला जा रहा, नसीम शाह से बेहतर है, कम से कम 2 चौके तो लगा गया। ये कहते हैं बाबर आजम हमारा किंग है, बाबर आजम मैच विनर है, कहाँ का मैच विनर है? मैच विनर वो होता है जो आपको मैच जितवा के दे। अगर यहाँ पे इंडिया की टीम होती ना, उन्होंने आप लोगों का जो हाल करना था ना आखिरी ओवर के अंदर, आप लोगों को वो बताते किस तरह चेज होता है स्कोर। यही है मेलबर्न के अंदर विराट कोहली ने चेज किया था ना स्कोर, फिलहाल जो भी हो वहाँ पे नो बॉल का सीन, लेकिन वो चेज तो करके गए ना वहाँ पे, विराट कोहली वहाँ पे छक्के मारा था। ये आप लोगों की क्रिकेट है कि आप लोग इतनी इंडिया से हार रहे हैं? मुझे शर्म आती है खुद के ऊपर यार कि मैं इन लोगों का फैन हूँ, इन लोगों की टीम की ख्याल नहीं, शदाब खान की कोई जगह बनती नहीं, इमाद वसीम की कोई जगह बनती नहीं, बाबर आजम को देख लें कहाँ का मैच विनर हमें नहीं समझ आई, रिजवान साहब T20 के नंबर 2 पे बैट्समैन माशाल्लाह साहब जो करके गए पूरी कॉम के सामने, बॉलर्स बना बनाया मैच आप लोगों के हाथ के अंदर रखते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि जब उन्होंने इतना अच्छा कर दिया तो आप लोग ही कुछ दावे बेहतर कर दें, आप लोग मैच जीत के दे दें, इसमें आप लोग लिखवा लें मेरे से, हम लोग इसके पहले राउंड से बाहर हैं। अगर हम लोग चले भी जाते हैं, हम लोग डिजर्व नहीं करते, इस टीम जो डिजर्व करती है आगे जाना वो एक USA टीम करती है और एक वो करती है यार, वो टीम जो मजबूरी के तहत ये वाला वर्ल्ड कप खेल रही है यार, वो आप लोगों से जीत के जा रही है USA, वो आप लोग 18 रन करिए यार सुपर ओवर के अंदर, आप लोग वो नहीं चेस कर पा रहे, इफ्तिखार साहब कोई जगह नहीं बनती इनकी, शदाब खान की भी कोई जगह नहीं बनती, आजम खान को अल्लाह लगा के बिठाया माशाल्लाह से, जिसको रखा उसने कोई बेहतर बॉलिंग कर ली, लेकिन माशाल्लाह से बैटिंग देते वो भी आजम खान के नक्शे कदम पर चले हुए हैं, इससे ऐसा तो साइम ही हुआ है, उस्मान खान की समझ नहीं है इनकी एम्पायरिंग की, मेरी समझ नहीं आती, पता नहीं कब इनकी एम्पायर स्कोर उल्टी हो जाती, कब इनकी एम्पायर स्कोर क्या हो जाती है यार, समझ ही नहीं आती यार इन लोगों की, इतनी देर तक बैठ के मैच देखकर हमें रिजल्ट ये मिले यार, बहुत अफसोस होता है हमें। अब मुझे खुद के ऊपर अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों इनका फ़ैन, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मैं इनको सपोर्ट करने वाला छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यार ये लोग इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं कि दूसरे क्रिकेट फैन जो इनका दिल टूटता है यार, ये आप लोगों की क्रिकेट है, समझ नहीं आ रही मुझे मैं किन अल्फाजों के अंदर करूँ। अल्लाह हाफिज़।